नमस्कार, जनप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रूस यूक्रेन युद्ध की बरसी से पहले जेलेंस्की से मिले जो बाइडेन, का हम यूक्रेन की संप्रभुता के साथ देंगे और ज्यादा हथियार। स्थिति से नाराजगी के बीच उपेंद्र कुशवाहा का जदयू से इस्तीफा, नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का किया ऐलान। चुनाव आयोग में जीत के बाद शिंदे गुट ने स्पीकर को दिया नोटिस, का शिवसेना का दफ्तर अब हमारा है, सौंपने की उठाई मांग। शिवसेना का नाम चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने के खिलाफ अर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल मेंशन करें, शिंदे ने भी डाली कैवियट। कांग्रेस के महाअधिवेशन से पहले छत्तीसगढ़ पहुंची ईडी की टीम, 12 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के घरों दफ्तरों पर मारा छापा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं के घर छापे पर बोले सीएम भूपेश बघेल, का साथियों को रोक कर हमारे हौसले तोड़ नहीं सकते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर किया पलटवार, का छत्तीसगढ़ के लुटेरों के साथ खड़े हैं सीएम भूपेश बघेल। राहुल के करीबी केसी वेणुगोपाल ने 2024 चुनाव पर कही बड़ी बात, का अकेले मोदी सरकार का सामना नहीं कर सकती कांग्रेस। पीएम मोदी को अपनी शादी का कार्ड देने पहुंचे ओयो के फाउंडर, मंगेतर माँ भी थी साथ, प्रधानमंत्री का पैर छूकर लिया आशीर्वाद। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच सपा विधायकों ने किया हंगामा, यूपी विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए की स्थगित। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने टीएमसी पर कसा तंज, कहा मेघालय में बीजेपी की सरकार बनेगी, सीएम भी होगा हमारा। संजय राउत के खिलाफ नासिक में दर्ज हुई एफआईआर, मुख्यमंत्री शिंदे के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। कन्नड़ फिल्म निर्देशक एसके भगवान का 89 वर्ष की उम्र में निधन, उम्र संबंधी बीमारियों से थे पीड़ित, सिने जगत में शोक की लहर। यूपी में 3 IAS और 14 PCS अफसरों के तबादले, देर रात तक प्रशासन में भी हो सकते हैं कई फेरबदल। भारत से बातचीत के लिए फिर गिड़गड़ाया कंगाल पाकिस्तान, पूर्व सैन्य जनरल बोले मीडिया और बिजनेस बनाए माहौल। चैटबॉट ने एलन मस्क और पीएम मोदी को बताया विवादित, कहा इनके साथ विशेष तरीके से आना होगा पेश। अमीरों की लिस्ट में 25वें नंबर पर किसके उद्योगपति, गौतम अडानी, आंकड़ों में दावा $50 बिलियन से नीचे पहुंची संपत्ति। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ ने अडानी समूह पर कही बड़ी बात, संजीव चड्ढा बोले और ऋण देने पर हो सकता है विचार। अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, दुष्कर्म मामले में दी जमानत, महिला ने लगाया था आरोप। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, का गोधरा कांड के दोषियों को मौत की सजा दिलाने की करेंगे कोशिश। हरियाणा के मेवात में 2 समुदायों के बीच जमकर बवाल, दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे, फायरिंग की भी सूचना। बिहार के पटना के बाद अब आरा में गोलीबारी की घटना, बदमाशों ने 3 जगहों पर जमकर मचाया तांडव। यूपी के देवरिया में 18 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुराचार, खून से लथपथ बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार, 2 गिरफ्तार। अफ्रीकी यूनियन ने बर्खास्त किया इजराइल का ऑब्जर्वर स्टेटस, राजदूत को असेंबली हॉल से निकाला गया बाहर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नक्सली हमले में 2 जवान शहीद, सुरक्षा बलों पर की फायरिंग, बाइक में भी लगाई आग। यूपीआई और पे नाउ के बीच लिंक सेवा की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, मंगलवार को सिंगापुर के प्रधानमंत्री भी बड़ी योजना के बनेंगे साक्षी। असम में पति और सास की हत्या के बाद शवों के किए टुकड़े, मेघालय में लगाया ठिकाने, महिला और उसका दोस्त गिरफ्तार। काली पोस्टर विवाद में सुप्रीम कोर्ट से लीना मणिमेकलई को राहत, राज्य सरकारों के जवाब आने तक गिरफ्तारी पर जारी रहेगी रोक। अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता का सुझाव मानने से किया इनकार, का रिकॉर्ड में शामिल नहीं होगी शेयरों की गिरावट पर फोर्ब्स की रिपोर्ट। नोटीपीजी वैधता को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, परीक्षा को संविधान में निहित संघवाद के सिद्धांत का बताया उल्लंघन। यूपी में घटिया निर्माण के जिम्मेदार सेवानिवृत्त इंजीनियरों से होगी वसूली, गरीबों के लिए बने 2000 मकानों में घटिया सामग्री का हुआ था उपयोग। महासम्मेलन में यूपी के करीब 1.25 लाख शिक्षा मित्र हुए शामिल, शिक्षकों के बराबर मानदेय समेत अन्य सुविधाओं की उठाई मांग। दिल्ली से देवघर जा रहे विमान में बम की सूचना से मचा हड़कंप, इंडिगो विमान की लखनऊ में करवाई गई आपातकालीन लैंडिंग। शशि थरूर के बाद अब चिदंबरम ने उठाई कांग्रेस में परिवर्तन की मांग, बोले CWC के आधे सदस्यों का हो चुनाव, नौजवानों को मिले जगह। भारत ने मित्र का फर्ज निभाते हुए नेपाल को दी 20 डायलिसिस मशीनें, नेपाल में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास में मिलेगी मदद। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, राज्यपाल राधा कृष्णन ने राजभवन में मिश्रा को दिलाई पद की शपथ। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में नेताओं के साथ की बैठक, आगे की रणनीति पर जिला स्तरीय नेताओं के साथ भी किया विचार विमर्श। राहुल और प्रियंका ने गुलमर्ग की बर्फ में की स्कूटर की सवारी, वीडियो में भाई बहन के साथ स्कूटरों पर सवार दिखे सुरक्षाकर्मी। गेहूं की फसल पर तापमान वृद्धि के प्रभाव की निगरानी करेगी समिति, सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए किसानों से बातचीत करेंगे सदस्य। बजट पर आयोजित वार्ता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया दावा, कहा महंगाई पर काबू पाने के लिए उठाए कई कदम, लगातार देते रहेंगे ध्यान।
कानूनी प्रणाली में बदलाव की विवादास्पद योजना पर बढ़ी इसराइल सरकार, तेज हुए प्रदर्शन, अमेरिका ने भी योजना से दूरी बनाने की दी नसीहत। उबर को 25,000 इलेक्ट्रिक सेडान की आपूर्ति करेगी टाटा मोटर्स, स्वच्छ और हरित ईंधन वाहनों की दिशा में माना जा रहा है बड़ा कदम। अमेरिका चीन तनाव के बीच ताइवान पहुंचा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रपति साई इंग बेन के साथ व्यवसायियों से भी करेगा मुलाकात। उड़ीसा के गांव में दिव्यांग व्यक्ति को ड्रोन से पहुंचाई गई सरकारी पेंशन, घने जंगल से हर महीने पेंशन के लिए 2 किलोमीटर करनी पड़ती थी यात्रा। शाहजहांपुर में तंत्र मंत्र के लिए हत्या की जताई जा रही आशंका, काट थाना क्षेत्र पुलिस ने लापता 8 वर्षीय बच्चे का बरामद किया शव। संबल में शिव मंदिर पर दबंगों ने की पुलिसकर्मियों से बदसलूकी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज कर दबंगों को किया गिरफ्तार। कानपुर में हुई घटना को लेकर बुलंदशहर के किसानों ने किया प्रदर्शन, बाकी कार्यकर्ताओं ने की दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बुलंदशहर की तहसील शिकारपुर में पीड़ित परिवार का हंगामा, 20 लाख की फिरौती मांगने के मामले में केस दर्ज नहीं करने का लगाया आरोप। संबल में चल रही रामलीला के दौरान कराया जा रहा है अश्लील डांस, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, मूक दर्शक बना प्रशासन। कानपुर तहसील में डीएम की अध्यक्षता में लगा तहसील दिवस, लापरवाही बरतने के मामले में एक लेखपाल को किया सस्पेंड। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।